नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लोन एनओसी के बारे में। दोस्तों, लोन एनओसी क्या होता है और कब आपको मिलता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो भविष्य में आपको क्या दिक्कत होगा, और मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको कैसे प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब किसी कंपनी किसी बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या आप कुछ भी ऐसा लोन करवाते हो कंपनी बैंक से, और अगर आप कंपनी का टाइमली पेमेंट करते हो तो जब आपका लोन क्लोज हो जाता है तो आपको कंपनी एक लोन एनओसी भेजती है आपके ईमेल आईडी पर। इसका मतलब ये है कि कंपनी के साथ आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपने कंपनी का जो एमआई है टाइमली पेमेंट किया, कंपनी को कोई इशू नहीं है, कंपनी आपको लेटर जारी कर दिया है कि हमारा जो कस्टमर रिलेशन था वो अच्छा था, हम इस लोन को क्लोज करते हैं, अब कंपनी कस्टमर के ऊपर कोई भी लोन या ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है। आपको एक प्रकार का बिल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार से कर्ज लेते हो, मान लो आपने 5000 रुपया कर्ज लिया कि पैसा नहीं है, मैं आपको अगले मंथ दे दूंगा। अब क्या किए कि आपने उधारी ले लिया और दुकानदार ने रजिस्टर में आपका 5000 रुपया ऐड कर दिया, आप सामान ले लिए और पैसा हुआ, आपने पैसा पे कर दिया, बट दुकानदार ने उस पैसे को अपने रजिस्टर से काटा ही नहीं, और जब भी आप कभी सामान लेने जाओगे तो वहां पे वो लिखा रहे कि हाँ ये पैसा आपने पे नहीं किया है। दोस्तों, लोन एनओसी का मतलब होता है कि आप अगर कंपनी से या बैंक से अगर लोन करवा लिए हो, मान लो भविष्य में आपके पास कभी ऐसा दिक्कत ना हो, जैसे मान लो आज का टाइम ऐसा है आप लोन पेड नहीं कर पाए, आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेड नहीं कर पाए। अब मान लो दोस्तों, अगर भविष्य में कभी आपके पास पैसे होते हैं, आपने पैसा पे कर दिया और कंपनी ने क्या किया कि सिविल स्कोर में आपका रिपोर्ट कर दिया कि इस कस्टमर का इतना अमाउंट पेंडिंग है, एक कस्टमर इतना अमाउंट दे नहीं पाया है, उस हाल में अगर आप कंपनी का एमआई दे भी चुके रहोगे भविष्य में, तब भी कंपनियां कुछ ऐसी होती हैं जो वहां पे पेंडिंग लगा के रखती हैं। अब दोस्तों, जब भी आप कभी लोन लोगे तो वहां पे आपका जो अमाउंट है आपके सिविल स्कोर में पेंडिंग शो करेगा और आप कोई कंपनी लोन नहीं देगा। बट दोस्तों, आपने तो कंपनी का पैसा पे कर दिया है, आप कंपनी ने 420 दगाबाजी किया, कंपनी को पैसा मिला और कंपनी ने सिविल को रिपोर्ट नहीं किया कि हाँ मुझे पैसा रिसीव हो गया है, आप यहां से इसको हटाइए। बट दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ये हरकत बहुत ज्यादा करती हैं और कुछ कंपनियां कुछ बैंक ऐसे हैं जो पैसा मिलने के बाद रिपोर्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपने कंपनी का अमाउंट पेड किया तो कंपनी से आप एक बातें हमेशा क्लियर कर लेना कि मुझे लोन एनओसी चाहिए, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। तो मान लो अगर आपके पास लोन एनओसी है और आपके सिविल स्कोर में अगर कंपनी ने अमाउंट को पेंडिंग डाल दिया है, तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है खराब है, आपने पेमेंट भी कर दिया है, अगर आपके पास लोन एनओसी है तो इससे आपका सबसे बड़ा फायदा होगा, आप जो है सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकते हो एनओसी के साथ कि मैंने कंपनी का जो पैसा था पे कर दिया, या तो आप आरबीआई को लेटर लिख के या तो आप ईमेल करके आप उसमें एनओसी को पीएफडी फाइल में आप जो है उसको डाउनलोड करके आप डाल के और आसानी से अगर आप भेज दोगे पीडीएफ फाइल में, तो आपका अगर ए ईमेल आरबीआई को या लेटर रिसीव होगा या आपका सिविल स्कोर को अगर मालूम पड़ा या सिविल ब्यूरो को मालूम पड़ा कि आपने पेमेंट कर दिया है और आपका एनओसी भी है, तो आपका उस हाल में वहां से आपका जो अमाउंट पेंडिंग है उसे हटा दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास लोन एनओसी नहीं है और आपके सिविल स्कोर में अगर अमाउंट पेंडिंग डाला गया है, तो अगर आपने पैसा पे भी कर दिया है और आपके पास पूरा प्रूफ, अगर कोई प्रूफ नहीं है तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, ओनली आपको फिर से जो है नियर बाई पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा, वकील पकड़ना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, क्लेम के तब आपका सिविल स्कोर सही होगा। बट दोस्तों, अगर आपके पास लोन एनओसी रहेगा तो आपको कोई पुलिस कोई वकील नहीं करना पड़ेगा, आप ओनली घर बैठे ईमेल से अपने सिविल स्कोर को सही करवा सकते हो अगर आपने किसी कंपनी का पैसा पेड कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको अपना एक पर्सनल सलाह दूंगा, भविष्य में चाहे आप 1000 रुपए का लोन लो, चाहे आप 1 लाख का, चाहे 10 लाख रुपए का लोन लो, अगर आप कंपनी का पैसा पे करते हो टाइमली, तो आपको अगर कंपनी
जो है लोन एनओसी नहीं देती है तो आप उनसे ये चीज लेकर अपने पास जो है गूगल ड्राइव में या आप कहीं भी उसको सेव करके रखिए, क्योंकि ये आपको काम देगा। दोस्तों तो अगर आपका एक रुपए का अमाउंट बाकी है तो वो पैसा अगर आपके सिविल में अपडेट कर दिया गया है तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है हमेशा डाउन होता रहेगा और भविष्य में आप लोन तो नहीं ले पाओगे, आपको हर जगह दिक्कत होगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, काफी लोग लोन लेते हैं, क्लोज करवाते हैं और लोन एनओसी नहीं लेते हैं। कुछ कंपनियां नहीं देती है, जो कंपनी नहीं देती है आप उसके खिलाफ आरबीआई में बैंक स्टेटमेंट के साथ भेज के आप रिपोर्ट कर सकते हो कि डियर सर हमने जो है इस कंपनी का लोन क्लोज कर दिया और हमें लोन एनओसी नहीं मिला। इससे आपको उस कंपनी को जो है लोन एनओसी देना पड़ेगा आपको, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, लोन का जो काम होता है एक प्रकार का लीगल काम होता है, इसमें आपको सारी चीजें अपने पास रखनी जरूरी होती है। कब किसका मूड बदल जाए, आपके संग भविष्य में क्या हो जाए, कब समय बदल जाए, कब टाइम बदल जाए, कोई नहीं जानता। एक आदमी का मात्र एक रुपए बाकी था और उसके सिविल में अपडेट किया हुआ था और वो आदमी जो है पेमेंट कर दिया था बट वहां पे पेंडिंग शो कर रहा था और दोस्तों उसके चलते उसका जो सिविल है डाउन होता रहता था। बाद में उसने रिपोर्ट किया, एक रुपए चलते उसको दिक्कत हुआ था। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपका एक रुपया अमाउंट बाकी रहेगा, अगर वो कंपनी लीगल है, अगर लीगल तरीके से काम करती है तो वो एक रुपए के लिए सिविल में अपडेट कर सकती है। ये बातें आप ध्यान देना, काफी ऐसे केस आए हैं। तो सिविल स्कोर आपका एक लेखा जोखा है, जिस तरीके से आप दुकान सामान खरीदते हो आपका जो रजिस्टर दुकानदार पर जो रजिस्टर होता है उसमें सारा मेंशन किया जाता है कि आपने ये सामान खरीदा है, ये सामान लिया है, उसी तरीके से आपका लेखा जोखा जो है सिविल स्कोर होता है, जो कि जो भी आप लेन देन करते हो वहां पे ऑडिट होता रहता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देके तभी आपको लोन लेना है, नहीं तो आप कभी लोन मत लेना, नहीं तो इससे आपको दिक्कत होगी। चाहे कोई कंपनी हो, बजाज फिनसर, होम क्रेडिट, आपका कैपिटल फर्स्ट, एचडी फाइनेंस या बैंक हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, कैश भी हो, क्रेडिट भी हो, चाहे जेस्ट हो, चाहे कोई भी हो, लोन एनओसी सबसे पहले लेना। चाहे आपका लोन क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपने पेमेंट किया है और पूरी तरीके से अच्छा ईमानदारी से काम किया है तो जरूर लेना और ये सब गलतियां नहीं करनी है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बातें अच्छे से समझा दिया, बता दिया। अगर आप हमारे वीडियो संतुष्ट हैं, सहमत हैं, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। और चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।